हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रिजल्ट डिले की, जो कि आपका है रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ बैक एंड सीओपी एग्जाम। कैरी ओवर पेपर एग्जाम हुए थे आपके और सेमेस्टर के, उसके जो रिजल्ट की डिले है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेम का और फिफ्थ सेम का एंड सेवंथ, जिस जिसने भी ऑड सेम का सीओपी दिया था कैरी ओवर पेपर, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जिसमें बहुत डिले हो रही है रिजल्ट में। तो बात करते हैं सीधे फैक्ट्स की। सीधे फैक्ट्स पर मैं आपको जो है इसका आंसर दूंगा, कोई भी एजम्पशन नहीं होगा इसमें। तो अगर हम एकेटीयू की साइट पर जाकर सर्कुलर्स के सेक्शन में चेक करेंगे, तो वहां पर कोई भी अपडेट नहीं है सीओपी के रिजल्ट को लेकर के, नो अपडेट एट ऑल। इनफैक्ट जो लास्ट रिजल्ट आया था आपका, वो 9 तारीख को आया था, बी फार्मा फाइनल ईयर रिजल्ट। सिमिलरली हम एकेटीयू के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखेंगे, तो वहां पर भी इस चीज को लेकर कोई रिजल्ट की अपडेट है नहीं एट ऑल। बट आपका लास्ट रिजल्ट आया था बी फार्मा 8 सेम का, और इनफैक्ट आपके सारे रिजल्ट आ चुके हैं, बीसीए, बीबी, एमबीए, जितने भी रिजल्ट आने थे एकेटीयू रिलेटेड, एमबीए, एमसीए के, बीबी नहीं है तो सॉरी, एमसीए, जितने भी रिजल्ट आए थे आपके सारे रिजल्ट आ चुके हैं। इनफैक्ट बीटेक का फाइनल ईयर का और बी फार्मा का फाइनल ईयर का रिजल्ट भी आ गया है आपका। तो अब जो आपका रिजल्ट पेंडिंग है, वो आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट सीओपी का है, यानी कैरी ओवर पेपर, यानी बैक के जितने भी एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट पेंडिंग है, और जो बीटेक का 6 सेम का रिजल्ट है, सिमिलरली बी फार्मा का, ये आपके पेंडिंग है। तो अगर एकेटीयू को उल्टे हिसाब से नहीं चलना, तो पहले बैक के पेपर के एग्जाम का रिजल्ट देना चाहिए, बाद में 6 सेम का। तो अब जो एक्सपेक्टेड डेट है सीओपी कैरी ओवर पेपर और बैक के एग्जाम की, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट है 16 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक ये रिजल्ट भारत में आ जाना चाहिए। 15 से पहले तो आप एक्सपेक्ट मत करो, 15 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे काफी वेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं रेगुलर का रिजल्ट आए हुए, और सीओपी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इतना टाइम कभी नहीं लगता, तो रिजल्ट में और दो डिले हो रहा है। बाकी मेन प्रॉब्लम रिएवेल्यूशन की है, रिएवेल्यूशन डैशबोर्ड अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर चैलेंज एवेल्यूशन स्टेज 1, जो कि और सेम के लिए है, ये उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त है, 31 जुलाई को शुरू हुआ था, अभी तक जो लास्ट डेट है, ऑल्दो ये भी एक्सपेंड होगी, लेकिन राइट नाउ जो सिनेरियो है, लास्ट डेट आपकी 30 तारीख है। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों को कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, बस रिवेल्यूशन में एक प्रॉब्लम होगी। अगर आपका रिजल्ट लेट भी आ रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ रिवेल्यूशन में प्रॉब्लम होगी, ऑल्दो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेट जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। बट जो मेजर प्रॉब्लम है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनकी जो डिग्री है उसमें जो डिस्टिंक्शन है वो ने अवॉर्डेड नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द सीओपी एंड बैक पेपर, तो वो इसका वेट कर रहे हैं, उनके लिए रिजल्ट जल्दी आ जाना चाहिए। एटलीस्ट रिजल्ट नहीं तो कोई भी सर्कुलर एक यूनिवर्सिटी को जरूर देना चाहिए रिगार्डिंग द बैक पेपर रिजल्ट। बट करंट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अभी तक कोई भी सर्कुलर नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट भी मैंने आपको बता दी, मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम्स भी बता दी। बाकी जैसे ही सीओपी कैरियर पेपर या बैक कह लो आप, उसका रिजल्ट आएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर दूंगा, तुरंत फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स में मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप एक बार ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है आईटेक वर्ल्ड नोट्स। सारे सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसकी लिंक जो है चैनल की, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब मैं वहां पर सारे नोट्स भी डालता हूँ, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं, कोई भी अपडेट आती, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्कुलर आता, सीधे आपको यहाँ पे मिलता है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत इस पर मिल जाएगी। तो इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इस पर मैं सारी अपडेट देता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.